अच्छा लगेगा। कहीं मेरा ये गीत आपने सुना होगा, बहुत गाया है। मैं आज प्रयास कर रही थी कि जो ना गाया हो वही गाया जाए, लेकिन आपकी इच्छा है तो पूरा कर रही हूँ। बस बस, एक बहुत अच्छी गजल अंजुम बानो की मैंने सुनी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको पेश किया है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत बन जाए। के हो बुरा गाने पे ऐसी रौनक बजती बिटिया। हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। मैंने समय की बात की थी। क्या बात है। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। आप करे पड़ोसी भी आंख बुझाने आते हैं। अरे मैंने बड़े बड़े पड़ोसियों को देख लिया, कोई नहीं आया बुझाने। नहीं आया, बाल्टी लुका के रख दे, जलने दो। आज का समय ऐसा है क्योंकि के हो बुरा बात तो अपने भी नहीं मिलते हैं। हो बुरा बात तो अपने भी परिंदे भी नहीं मिलते हैं। क्या बात है। एक लाइन इस गजल की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बलजीत भैया सुनो। हाँ हाँ बेटा, शेर भी बोलिए बेटे, एक शेर बोलिए। बिल्कुल अभी बोलते हैं। उस गजल में वो कह रही हैं कि जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ। जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, के जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, तो उतने सस्ते। क्या बात है, क्या बात है। उतने सस्ते, उतने सस्ते, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते। खैर गजल तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप मेरे गीत को सुनिएगा। क्या बात। जितना आपको वो पैटर्न अच्छा लग रहा है उतना ही मेरा गीत अच्छा लगेगा। कैसे कैसे। महाभारत का आरंभ वो संग्राम हो गया, ये बात। क्या बात गुडविया, बहुत अच्छे। महाभारत का आरंभ वो संग्राम हो गया, गृह युद्ध था जो अब तक सरेआम हो गया। अपनों पे ही अस्त्रों का वार होने लगा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ कौरव लड़ रहे हैं, एक तरफ पांडव लड़ रहे हैं।
अपनों पे ही अस्त्रों का वार होने लगा है, उस समर भूमि में संहार होने लगा है। भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे, एक एक करके सारे सारे मारे जा रहे हैं। भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे, भीष्म पितामह घायल, द्रोणाचार्य ना रहे, तब कर्ण से दुर्योधन ने ये वैन है। आखिर जब एक एक करके सब मारे जा रहे हैं, तो कर्ण से दुर्योधन ने ये बैन है कहे। दुर्योधन अंदर ही अंदर डरने लगा, सोचने लगा मेरी भी मौत आ जाएगी। और कर्ण उसके पास खड़े हैं, तो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से कहा, ये मित्र सब मारे जा रहे हैं, इसलिए अब मित्रता की आन बान तेरे हाथ है, अब मित्रता की आन बान तेरे हाथ है, कौरव सेना का अब सम्मान तेरे हाथ है। तो बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी, क्या बात है, बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी, बोला ये कर्ण तन में जब तक जान रहेगी, तब तक समर में मित्र तेरी शान रहेगी। दुर्योधन तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा। और देखिए लड़ाई शुरू हुई, तो भाई भाई द्वारा मारा जाता है। और होता क्या है, क्या आकर के कर्ण अर्जुन के है साथ भिड़ गया, सगे भाई लड़ रहे हैं, समझते जाना। आकर के कर्ण अर्जुन के है साथ भिड़ गया, दोनों के बीच महाघोर युद्ध छिड़ गया। वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया, वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया, वो कर्ण महायुद्ध में तब हो विवश गया, उसके रथ का पहिया है जब धरती में धस गया। तो महारथी अर्जुन को लख कर अंतर मने और मन में अपने विचार करके, कर्ण ऐसी बानी बोले। क्या बोले बेटे, देखिए दोनों भाई आपस में लड़े हैं, भाई के द्वारा भाई मारा गया है। कर्ण अपने मन में विचार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सारी सेना सारे लोग मारे जा रहे हैं। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, लेकिन जब जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धस गया और अर्जुन बाण लेकर खड़े हैं, तो मरते मरते कर्ण मन में विचार कर रहे हैं, कहे कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन अपने मन में सोच रहे हैं कि ये कितना भाग्यशाली है, ये कितना किस्मत का तेज है और मैं कितना बदनसीब हूँ। और देखिए कहा उन्होंने कर्ण ने, मन में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन कि हम तो अपनों भैया, देखिए कर्ण ने कहा कि हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे, कि हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे। अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं, और ऐसे नहीं, कैसे मित्रतावश, क्या बात है, अरे मित्रतावश
मित्रता वश ये धनुष बाण लिए अपमान लिए बैठे हैं और केवल दोस्ती के लिए धनुष बाण लिए बैठे हैं। अर्जुन नहीं जानते कि कर्ण मेरा भाई है, लेकिन कर्ण जानते हैं कि अर्जुन मेरा भाई है, फिर भी दोस्ती के लिए लड़ रहे हैं। और कर्ण ने कहा क्या कि अर्जुन तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तूने माता की ममता का सुधा पान किया। पीने का मौका मिला और मैं कितना बदनसीब हूँ, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे जल में बहा दिया। हम लोग एक ही माँ के हैं, लेकिन उस दूध को पीने का मुझे मौका नहीं मिला। तो तूने माता की ममता का सुधा पान किया, पर हम तिरस्कार का विश्वपान किए बैठे। बलिर भैया एक टुकड़ा और सुनिएगा, आनंद आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं आ रहा है? भाव विभोर हो गए लोग, धन्यवाद है। एक एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ और कर्ण कह रहे हैं कि तेरे गुरुदेव का आशीष तेरे साथ में है। तुम्हारे गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य, क्या बात, उनका भी आशीष मिला। लेकिन मैं कितना अभागा हूँ, मेरे गुरुदेव हैं परशुराम, उन्होंने मुझे ज्ञान तो दिया लेकिन ये श्राप भी दे दिया कि जाओ कर्ण, समय आने पर तुम अपना ज्ञान भूल जाओगे। तो आज ये कर्ण ऐसे पड़ा है। तो तेरे गुरुदेव का आशीष तेरे साथ में है, लेकिन हम तो अभिशाप का गुरु ज्ञान लिए। बड़े अच्छे श्रोता बैठे हैं, मेरे गीत में भी बैठे हैं और यहाँ बड़े अच्छे श्रोता बैठे हैं। बाबूजी एक जो टुकड़ा बोल रही हूँ ये मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है, अगर आपको भी अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा ताकि लिखने वाले की मेहनत सफल हो जाए। कर्ण विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं जानता हूँ अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तेरी कश्ती कभी मझधार में न डूबेगी। सुशील भैया आपको भी ये पंक्ति अच्छी लगेगी। कर्ण कह रहे अर्जुन तेरी कश्ती कभी मझधार में न डूबेगी। और क्यों नहीं डूबेगी? क्यों के तेरी कश्ती कभी मझधार में न डूबेगी। और क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि स्वयं पतवार
अरे स्वयं पतवार को भगवान लिए बैठे। बलजीत भैया की तरफ से पुरस्कार है, हृदय से नमस्कार है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक अंतिम पंक्ति और सुनिए। कर्ण की मृत्यु तो हो रही है, लेकिन मरते मरते कर्ण के मन में विचार आया और कहा, क्या? मैं जानता हूं कि किशन ना कर्ण बचेगा ना ध्वज बचे उसका, जाएगा राजा रंग फकीर। और पिंकी जी की तरफ से, पिंकी यादव जी तिलपई, आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है, हृदय से नमन है आपको। बाबूजी कहा के किशन ना कर्ण बचेगा ना ध्वज बचे उसका, और क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि क्यों तुम्हारे ध्वज को तो हनुमान लिए सच्चे दरबार की जय। अरे हो बुरा बात अरे रे बहुत अच्छे।
उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते जल है। फिर से एक बार सुना देंगे आप। जितनी बढ़िया ये गजल है उतना ही बढ़िया पिरोया गया है सही। जिसने भी लिखा है आदित्य भैया, हम समझते हैं कि ये हमारे दादा जी की कलम है। ये आदित्य जी बताइए तो ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सुना देता हूं अगर आप कह रहे हैं। हमारे है संगम साउंड सर्विस का एक आदेश है, किसी पंक्ति को दोहरा दिया जाए। बिल्कुल। जितने कम दाम में, जितने कम दाम में जाते हैं इंसान यहाँ, कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जितने कम सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते, जो उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते। अरे हो पूरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते, नमन कर रहा हूं आदरणीय दादा श्री हरि कृष्ण शर्मा जी को। हकीकत में जो लोग लिख के चले गए अब कोई लिखने वाला है नहीं, ऐसी सोच नहीं है। हमारे भी हमारे गुरुजी भी कुछ लाइनें
हमें पसंद आती है। अब आपने कहा कि कर्ण कह रहे हैं कि हम तो अपनों कि हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं। क्या बात, हम तो अपनों से ही अपमान लिए बैठे हैं। अरे मित्रता बस, मित्रता बस ये धनुष बाण लिए बैठे हैं। जब आप सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं आदित्य भैया, प्रयास कर रहा हूं कुछ पंक्तियां निकल के आ जाए। आपने कहा कि मित्रता बस धनुष बाण लिए बैठे हैं, लेकिन एक घटना और घटी। क्या किस समर भूमि में भीष्म ने जब थामी है कमान, तुम मगर युद्ध में अर्जुन के घायल कर गए बाण। निवेदन कर रहा हूं पंक्ति को आप सुने। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए, घायल हो गए, तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं क्या, भीष्म पितामह कहने लगे क्या, अरे हम तो अपना बहन जी पंक्ति को सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने कहा क्या कि हम तो अपनों का मन कुमान लिए बैठे हैं। अपनों का ही मन के गुमान लिए मैं बैठा हूं, कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि सब अपने हैं। भीष्म पितामह ने कहा अरे हम तो अपनों का मन गुमान लिए बैठे हैं। चाहता हूं भीष्म पितामह ने कहा कि हम तो अपनों का मन कुमान लिए बैठे हैं, साथ में अपने जो सत्य है जो सही है मैं उसको नहीं कर पा रहा हूं। आदित्य भैया जो सही है उसको मैं नहीं कर पा रहा हूं। भीष्म पितामह चिंतित है और कह रहे हैं क्या, क्या? कि हम तो अपनों का मन गुमान लिए बैठे हैं, साथ में अपने साथ में अपने ये बेईमान ये बैठे पर कदम रख दिए। एक बात और कह दिया भीष्म पितामह ने क्या, क्या अरे जिसको बचपन में खिलाया था पाला पोसा,
अरे जिसको बचपन में खिलाया था अपाला पोसा उससे मरने का, जिसको मैंने बचपन में खिलाया बिल्कुल बोला पासा पाला पोसा आज उन्हीं से अरे उससे मरने का अरमान लिए बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया आज उसी से मरने का अरमान लेकर के मैं बैठा हूँ। मैंने खुद अपने मरने का रास्ता बताया। ये ऐसा करो तब मेरी ये स्थिति हो जाएगी। कर रहा हूँ पंक्ति को सुने, क्योंकि सवाल घर का होता है और जवाब फल का होता है। और पंक्तियाँ जो लिखी गई हैं महान व्यक्तित्व के धनी से लिखी गई हैं, क्योंकि दादा कहे जाते हैं कीर्तन जगत। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कुछ पंक्तियाँ निकल के आ जाए। सुना भीष्म पितामह ने कहा क्या, अरे जिसको बचपन में खिलाया था अपाला पोसा उससे मरने का, अरे उससे मरने का अरमान ये एक पंक्ति और बोल रहा हूं। भीष्म पितामह ने कहा एक ही भूल से जीवन ये मेरा नरक हुआ। एक भूल मैंने की और आज मेरा जीवन जो है वो बाणों पर रुका हुआ है। तो कहना हुआ लेकिन फिर भी एक ही भूल से जीवन ये मेरा नरक हुआ। शाबाश है, मगर भगवान भीष्म पितामह ने कहा मगर भगवान से भी सम्मान लिए ये। इस लैम कोई गा भी नहीं पाएगा। आपके भारी भरकम गीत का प्रयास है, आइए गीत हमारी तरफ से भी आप सुन लें।